घर में पुलिस चौकी लगा ली है। भाई तुम लड़कियों का कौन मुकाबला करे, ना जाने तुम लोगों की पार्टी कब तक खत्म होगी। अच्छा मैं तो चला अपनी ड्यूटी पर। जरा जल्दी आना। हाँ नमस्ते। बेला तुम्हारी शादी कब होगी? बम्बीना कोई रोमन से पूछे किसकी शादी कब होगी। हाँ हाँ बताना। मैंने शादी की बात करती है। शादी तो इसे मुबारक हो, मैं तो साइंस पढ़ूंगी और अपना नाम खूब रोशन करूंगी। ऐसे अच्छे मौके पर इस हरे भरे सावन के महीने में साइंस की क्या खटपट लगा रखी है। हंसते खेलने की बात करो, कुछ गाने बजाने की चर्चा करो। तो चलो चलो बेला बम्बीना। अपनी गाड़ी नहीं मंगवाई। अच्छा मैं जाती हूँ।
गुड नाइट। निकालो पैसे। और आवाज निकाली तो सारे लेटा कर दूंगा और जिसम लेटा। निकालो पैसे। नहीं मैं तुम्हारी कैसे आगे लेटा करता हूँ। चलो तुम्हारी लड़की को ढूंढ रहे हैं। जल्दी कहा है? चलो भाग के मोदी जल्दी आ। ये तो बिल्कुल बेहोश है। क्या किया जाए? अपने घर ले चलते। सतारी 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 ये कहां से चार ठंडा पानी लेके आते। चलो चलो जल्दी रहा। कोई डॉक्टर बुला लो ना। मैं बुला लू। डॉक्टर साहब जरा जल्दी आ जाइए, मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। होश नहीं आया? पानी सरकार लाओ ना। छोटे सरकार ये मामला क्या है? ये मामला नहीं लड़की है लड़की। तुम जाओ यहाँ से अपना काम करो। चलो मोती ये क्या शोर मचा रखा है? ये लड़की सोफे पर क्या कर रही है? लाला जी सो रही है। सो रही है? क्यों सो रही है? जी ये सो नहीं रही है, बेहोश पड़ी। बेहोश पड़ी है आधी रात के वक्त हमारे घर में? तुम इसका मतलब जानते हो? पिताजी आपको कुछ गलत नहीं। तुम इसे गलत फहमी कहते हो? मुझे मालूम ना था कि तुम इतने खुल जाओगे कि आधी रात के वक्त एक नौजवान लड़की को। पिताजी ये लड़की अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई। तो तुम लाए हो? जी हाँ। ये और भी बुरा है। मगर पिताजी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। इस लड़की को मैं बदमाशों के पंजे से बड़ी मुसीबतों के साथ छुड़ा के लाया हूँ। बिल्कुल फिल्मी कहानी। तुम समझते हो मैं तुम पर एतबार करूंगा? बेहतर इसी में है कि फौरन इस लड़की को वहां छोड़कर आओ जहां से लाए हो। जहां से लाया हूँ पिताजी ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। पता मत ये लड़की यहाँ भी नहीं रह सकती। जाओ इसे छोड़कर आओ और तुम भी जाओ। बेवकूफ दादाजी बिगड़ गए हैं। अपनी सवाल को चली तुम मुझे इस मुसीबत में छोड़ के अकेला कर जाए। मुसीबत अभी भी होश है, होश में आ गई तो आफत बन जाएगी। हेलो मोती। हाँ ये डॉक्टर तुम्हें क्या हुआ अभी? तुम तो भले चंगे दिखाई देते हो। जी हाँ मगर मैं नहीं डॉक्टर साहब। ये है? ये कौन? इन्हें क्या हुआ? जी ये बेहोश है। बेहोश है वो तो मैं भी देख रहा हूँ। इन्हें कुछ सख्त सदमा पहुंचा है। ओह डॉक्टर साहब बात यूं ही कि रहने दो मैं सब समझता हूँ। आप नहीं समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, और अगर समझ रहे हैं तो कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको। तुम मुझे समझाने की कोशिश ना करो मोती। मैं तुम्हारा उस वक्त से फैमिली डॉक्टर हूँ जब तुम पैदा ही नहीं हुए। मुझे ये मालूम नहीं था कि बड़े होकर तुम ये गुल खिलाओगे। मैंने कोई गुल नहीं खिलाया डॉक्टर साहब। मुझे तो मालूम भी नहीं कि ये गुल है किसका। तुम समझते हो तुम बूढ़े डॉक्टर को धोखा दे सकोगे? खैर बरकुलदार अपना काम तो समझाना है, मानो ना मानो तुम्हारी खुशी। जी देखो अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ये गोलियां एक एक घंटे के बाद दे देना, समझे? मगर हे देवी जी महारानी
अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ कोई मेरा एतबार ही नहीं करता, न बाप न डॉक्टर, आखिर मैं हूँ कौन? बदमाश, खूनी। खूनी? मेरा सर, मेरा जिस्म, नहीं, तेरा जिस्म, मेरा सर, ठीक है। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर में। हाँ? आराम से लेटी रहिए, लेट जाइए, और इसमें से गोली खा ली। गोली कैसी? डॉक्टर दे गया। नहीं, मैं नहीं खाती। आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं? अजी, हम बड़े भरोसे वाले हैं, यहाँ तक कि मेरे बाप का नाम भी भरोसेलाल था। नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए और अपनी बीवी को यहाँ भेज दीजिए। बीवी? अभी तक तो कोई नहीं। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आप मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए। मेरी तो यहाँ कोई बात ही नहीं सुनता है, मुझे आपका नाम तक नहीं मालूम। साहब, रोमा। मिस रोमा, बात ये थी कि जिस वक्त मैं आपको उस मकान में बचाने के लिए गया था तो आप बेहोश हो गए, और आपके बेहोश होने से पहले मैं आपका नाम पूछना भूल गया था। मुझे आपका नाम मालूम न था, ना आपके बाप का नाम मालूम था, और ना आपके और आपके बाप के घर का पता मालूम। मैं अगर आपको यहाँ न लाता तो कहाँ ले जाता? ये बात थी जी। मिस्टर मोती, अब मैं हीरालाल, बल्कि भरोसेलाल। बहुत शुक्रिया मिस्टर मोती, आपने मेरी जान बचाई है। अब एक काम और कर दीजिए। मैं जरा बाबूजी को टेलीफोन करना चाहती हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं टेलीफोन आपके लिए यही ले आता हूँ। है 12 बज गए और रोमा अभी तक नहीं आई। मैं अभी पुलिस को टेलीफोन करने वाला था, तुम कहाँ से बोल रही हो? जी मैं एक लड़के के कमरे से। है? लड़का? कौन लड़का? कैसा लड़का? कैसा? कमारा? है? कमारा लड़का? और आधी रात के वक्त तुम उसके कमरे में क्या कह रही हो? आप यहाँ आ जाए तो मैं सब बातें बता दूंगी। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी मालूम होता है, मैं पुलिस लेकर अभी आता हूँ। नहीं बाबूजी, ये बात नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं। आप यहाँ जल्दी से चले आइए, ये जगह है क्लिफ्टन रोड नंबर 5। क्लिफ्टन रोड नंबर 5? हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। पिताजी अभी आ रहे हैं। अच्छा भाई, पिताजी आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? बाय बाय। वो तो शुक्र हुआ कि आपको होश आ गया, नहीं तो मैं तो घबरा गया था। मैं होश में ना आती तो आप क्या करते? क्या करता? अरे साहब, अगर आप होश में ना आती तो मैं गश खा के गिर पड़ता। आप गश खा के गिर पड़ते एक लड़की को बेहोश देखकर? आपका दिल बहुत कमजोर है। कमजोर था नहीं, मगर अब कुछ होता जा रहा है। हाँ? जी, मतलब ये था कि मैं आपका हाल पूछने के लिए टेलीफोन कर लिया करूँ। हाँ जरूर। टेलीफोन नंबर बता दी। 5779। 5779 लिख लीजिए। अरे साहब लिखा गया। रोमा, 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 तुम कौन हो जी, और इसे यहाँ क्यों लाए? जी मैं और तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बेहोश थी। और जब तुम्हें होश आया तो तुमने अपने आप को इस घर में पाया, बदमाश। सुनिए साहब, मेरा लड़का बदमाश नहीं है। तुम कौन हो जी बीच में बोलने वाले? मैं इसका बाप हूँ। जब ही तुम दोनों चोरों की शक्लें आपस में बिल्कुल मिलती हैं। हम चोर हैं। हाँ, चोर, ठग, बदमाश, चक्के। अगर मैं तुम दोनों को अदालत में ना ले जाऊँ तो मेरा नाम सर मनसुख लाल नहीं। बाबूजी, आप अपने कहे जा रहे हैं, कुछ मेरे भी कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ समझता हूँ। आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ। मैं जानता हूँ, जब मेरी बेटी घर से निकली होगी तो तुमने उसका पीछा किया होगा। जब वो बस में बैठी होगी तो तुम उसके साथ बस में बैठे होगे। जब वो उतरी होगी तो तुम उसके साथ उतरे होगे। जब वो भागी तुम उसके पीछे भागे और उसको घेर कर यहाँ ले आए, बदमाश। देखिए साहब, आप हमारी इज्जत पर हमला कर रहे हैं। पिताजी,
आप जरा सुन तो लीजिए, जो कुछ कहना हो अदालत में कहना। मगर बाबूजी, चलो बेटी घर, चलो बेटा ऊपर। अरे रोमा, क्या बात है, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो? उठने को जी नहीं चाहता, और उठकर करूं भी तो क्या, अपना तो बाहर आना जाना भी बंद कर रखा है, सिवा तुम्हारे और किसी से मिलने भी तो नहीं देते। भाई वाह, बड़े जालिम है तुम्हारे पिताजी। अपने को जो भी मिलता है जालिम ही मिलता है। ये किसकी तरफ इशारा है? कुछ नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। यूं ही तो कोई बात नहीं कही जाती, बता। किसी की याद सताए या भराए। हेलो रोमा जी, मैं मोती बोल रहा हूँ। मोती? ये मेरा टेलीफोन है। किसके दिल का मोती? अपने दिल का समझ लो ना, क्या करता है बदतमीज का। जी नहीं, माफ कीजिए, आपसे नहीं, ये मेरे बहुत ही बेईमान दोस्त है हीरालाल जी। मैं तो आपसे नमस्ते अर्ज करता हूँ। हो गई, कल रात को बाऊजी ने जो आपकी बेइज्जती की थी, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जी हाँ, वो तो हुआ, मगर मेरा हौसला तो देखिए, इतनी डांट खाने के बाद भी आपको टेलीफोन कर रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है? अब मजबूरी ही समझ लीजिए। किसी को दिल में बसवाओ तो पता चले, क्या करूं मैं। जी क्या कहा? कोई नहीं साहब, ये वही कबाब में हड्डी मिस्टर हीरालाल। अर्ज ये थी कि देवी जी के दर्शन कब होंगे? क्यों, क्या पूजा करनी है? हैं? ये कौन? यहाँ भी एक हड्डी है। अर्ज ये थी देवी जी। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? है, है। ये भी कोई कहने की बात है कि दिल से दिल को राह होती है? होती होगी, मगर मैंने तो दिल का सौदा कभी नहीं किया। मैं तो कर चुका हूँ। किससे? तुम्हें चुपके से दिल में लिया जो बसा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से। ये तो लिखा था किस्मत का होके रहा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से। रातों को ख्वाबों में आते हो तुम, हाँ हो, रातों को ख्वाबों में आते हो क्यों, सोए हुओं को जगाते हो क्यों, सोए हुओं को जगाते हो क्यों। हाँ चुपके से आके नैना मिला के, चुपके से आके नैना मिला के, दिल को मेरे छेड़ जाते हो क्यों। मार डालेगी मार डालेगी तेरी ये बाकी अदा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से। तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से।
प्यार के रसीला इशारा हमें हाँ हो करके रसीला इशारा हमें हौले से किसने पुकारा हमें हौले से किसने पुकारा हमें अपना बना के कितने उठा के अपना बना के कितने उठा के तिरछी निगाह तुझे मारा हमें हेलो 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 रोमा है सुबह से ऐसी बैठी हो नमस्ते बाबूजी नमस्ते कैसी हैं अच्छी हूँ जी बेटा जल्दी से कपड़े बदल लो शेखर साहब आने वाले हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गई जी अच्छा बदल लेती हूँ लीजिए गाड़ी रुक गई मोहब्बत के जंक्शन पर और तुम तो झंडे जलाती रह गए यार तुम्हारा क्या ख्याल है इस रोमा के बारे में अरे मैं तो शुरू ही से कह रहा था कि जवाब नहीं इस लड़की का सारे शहर में तो फिर कोई तरकीब निकाल लो ना यार इससे मिलने की तरकीब चलो क्या यहाँ से एक गाड़ी लेते हैं अच्छा गाड़ी जी गाड़ी में बैठकर उसके घर चलते हैं उसके घर भी चले और वहां उससे मिल लेंगे दूसरी नहीं है उसका बच्चा मगर यार तरकीब अच्छी है बहुत आसान आपने किसको मिलना मिस रोमा से मिलना हुक्म नहीं हुक्म नहीं क्यों नहीं नहीं है मिस साहब को मिलने का हुक्म किसी को नहीं किसका हुक्म नहीं बड़े सरकार का बड़े सरकार अब बोलो पहले से कर रहा था और आप जा सकते हैं जाते हैं भाई जाते हैं बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले बेटा आपको असली तरकीब निकालो तरकीब आओ वो दरवाजा दिखता है सुप्रिंटेंडेंट साहब मैं अपनी इज्जत के ख्याल से चुप हो रहा सोचा कि मामला खुद ही दब जाएगा हाँ आपसे सलाह लेना जरूरी था इसलिए तकलीफ थी अच्छा जिसके घर से आप रात रोमा को लाए उस बदमाश का नाम क्या था मैंने नहीं पूछा यही तो पूछने वाली बात थी हाँ मनसुख लाल जी ये मामला मुझे कुछ पेचीदा नजर आता है आप रोमा से सब कुछ पूछिए तो चलिए अभी पूछते हैं चलिए आपके सामने ही सब बातें हो जाए वैसे तो रोमा बड़ी अच्छी लड़की है मेरे मना करने पर सुबह से घर से बाहर नहीं निकली आजकल जमाना लड़कियां कैद करने का नहीं है सर मनसुख लाल जी उन्हें जिंदगी से कुछ सीखने का मौका दीजिए असल में मैं इस किस्म की सख्ती का कायल नहीं इसका हमेशा उल्टा असर पड़ता है मेरी लड़की ऐसी नहीं है हर बात यही कहता है तुम दोनों हम दोनों तो यहाँ से जरा यही गुजर रहे थे
तुम्हारे बाबा की सड़क है। सर मनसुख लाल जी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? जी मोतीलाल है, इनके पिताजी शहर के बहुत बड़े जौहरी हैं, करोड़पति। ये कारखाने और फिर ये मेरे पुराने दोस्त भी हैं। ये शरीफ आदमी है। जी हाँ, यूँ समझिए कि इन्होंने ही रोमा की जान बताई। अच्छा, तब तो ये अपनी बिरादरी के ठहरे। माफ करना बेटा, उस वक्त मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा, मुझे मालूम नहीं था कि तुमने ही रोमा की जान रोमा रोमा करोड़पति को करोड़पति मिले कर कर लंबे। हेलो रोमा, देखो बेटा मिस्टर मोतीलाल आए हैं, इनको कोई चाय पिलाओ। अरे कोई है, कोई है? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सर मुझसे चाय से मिलने के लिए आया। मैं सर मिस्टर मोतीलाल आइए ना, अभी हाजिर हुआ। चलिए ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी, पिया जो बुलाए तो कहूँ मैं जी ओ जी, जीने न देगी ये दिल की लगी। हाय पिया जो बुलाए तो कहूँ मैं जी ओ जी, जीने न देगी ये दिल की लगी। आया करो कभी कभी मेरी गली, आया करो कभी कभी मेरी गली। मिलके उड़ाएंगे जमाने की हंसी, मिलके उड़ाएंगे जमाने की हंसी। आए जीने न देगी ये दिल की लगी। पिया जो बुलाए तो कहूँ मैं जी ओ जी, जीने न देगी ये दिल की लगी। पहली नजर मेरे दिल में बसी, तेरी मेरी मेरी तेरी आँख जो लड़ी। अरे पहली नजर मेरे दिल में बसी, जल्दी बता घर का पता, जल्दी बता मुझे घर का पता। हाय जीने न देगी ये दिल की लगी, मेरा जो बुलाए तो कहूँ मैं जी ओ जी, जीने न देगी ये दिल की लगी। तबीयत पहले से ही खराब है और तुम खामखा जिद कर रहे हो। तो फिर पिताजी आप मेरी बात मान जाइए, मैं कह रहा हूं कि वो लड़की बहुत सुंदर है और बहुत सुशील है। सुंदर और सुशील लड़कियों की इस मुल्क में कोई कमी नहीं। मगर पिताजी वो पढ़ी लिखी भी है। पढ़ी लिखी लड़कियों की भी कोई कमी नहीं। तो फिर पिताजी मैं क्या करूं? तुम लड़की के बारे में नहीं, लड़की के बाप के बारे में कुछ बताओ तो मालूम हो। उनके पिता बहुत अमीर आदमी है पिताजी, और उनके पास चार मोटर हैं। अमीर हुआ तो क्या हुआ, बहुत होगा, तुम्हारी शादी में एक आध छोटी बेबी कार दे देगा, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? पिताजी उनके पास कई मिले भी थे। मिले हैं तो क्या हुआ, बाप के मरने के बाद मिले उसके बेटों को मिलेंगी, तुम्हें क्या देगा? पिताजी उनके कोई बेटा नहीं है, उनके इकलौती लड़की है। ये इकलौती लड़की है जी। तो तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखता है, जब फौरन शादी कर ले। शादी कर लू पिताजी। जाता कहा है? पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवा ले। जल्दी करो। हाँ ठहर सरदारी। ओ सरदारी जल्दी चलना, क्या कहता है? ले ले जा पंडित जी को बुला ला, फौरन ला, जल्दी आ, जल्दी जा। मैं जरा वहां हो। हाँ है ना।
लेकर उसने सर पर बांधी पगड़ी। मैं तो जल गई इसी बात पर दो घंटे तक झगड़ी। मैं तो जल गई इसी बात पर दो घंटे तक झगड़ी। फिर अपना सैंडल खोल के फूटू मैं बोल के सर पर दिया पटाका रे। अभी अभी खबर आई है कि मोती के पिता सख्त बीमार हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं। हमें वहां फौरन पहुंचना चाहिए। हाय राम, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि कहीं तुम्हारी शादी ना रुक जाए। दादाजी आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है, अगर लापरवाही की गई तो मर जाऊंगा ना। ऐसा लगेगी दादाजी। बेटा रोने से क्या फायदा, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। अच्छा अब आप सब लोग जरा बाहर बैठे, मुझे जरा मोती से बातें करनी। बेटा मोती यहां आओ। सुनो बेटा, इस वक्त मैं जो कुछ कहूं कान खोल कर सुनो और उस पर अमल करना। जी पिताजी। जानते हो कि मेरे पास 3 करोड़ रुपया नकद और बहुत सी जायदाद के तुम वारिस हो जाओगे। ऐसा ना कहिए पिताजी, आप अच्छे हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो ये सारी जायदाद और सारी दौलत इतनी है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी 7 पुस्तों तक काम आ, और अगर तुम ना चाहो तो 2 दिन में खत्म हो सकती है। इसलिए जहां मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ा वहां मैं तुम्हें 1-2-3 बातें भी बताना चाहता हूं जो जिंदगी में तुम्हारे काम आएंगी। ये 3 बातें मेरी जिंदगी का तजुर्बा, इन पर अमल करने से तुम हमेशा सुखी रहो। पहली बात यह कि कभी शराब ना पीना, इस बुरी चीज से हमेशा दूर रहे। अभी तक कोई चीज का शौक हुआ नहीं है। मैं जानता लेकिन मेरे बाद तुमको उल्टा समझाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। शराब कभी अकेली नहीं आती बेटा, जब शराब की बोतल आती है तो ऐशोशरत के सारे सामान आ जाते हैं, जुआ खिलाने वाले दोस्त भी आ जाते हैं, रुपया पानी की तरह बहता है और आंख उस वक्त खुलती है जब जेब खाली हो जाती है। आप ठीक कहते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी बदचलन औरतों से मेल मिलाप न रखना। देखने में ये औरतें बड़ी भोली और खूबसूरत मालूम होती हैं, लेकिन इनकी चमक दमक
रात की जगमगाती हुई रोशनी के साथ असलियत देखनी हो तो सुबह सुबह देखो चेहरे पर कैसे लानत बरसती है। अब मेरी तीसरी और आखिरी बात भी सुन, अपने राज की बात किसी को ना बताना, खासकर किसी औरत को, चाहे वो औरत तुम्हारी बीवी ही क्यों ना। वैसे तो औरत की जात बड़ी नेक और वफादार है। बेटा, औरत के दिल पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसकी जुबान उसके काबू में नहीं, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, इसमें उसका कोई दोष नहीं, भगवान ने उस बनाया। अब तुम मेरे तजर्बों से फायदा उठाओ या ना उठाओ, ये तुम्हारी मर्जी, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें पिताजी, मैं आपकी नसीहतों पर पूरा पूरा अमल करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ बेटा, तुम सबको बुला लाओ, मैं अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद तो दे दूं। आओ बेटी, आओ। बेटे नहीं, उठिए नहीं। परमात्मा तुम दोनों को खुश रखे बेटा। सरमन सुखलाल, मेरे बाप मोती का ख्याल रखना। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी कर देना। परमात्मा सदा इस जोड़ी को खुश रखे। साहब अंदर है? अंदर ही है। क्या बात है, मुंह लटकाए बैठे हो? बाप से वाला निकाल दिया? अरे यार, दिवालिया होते तो मुसीबत ही जाती। मुसीबत तो यह है कि रुपया चारों तरफ चिट्ठी का चला रहा है। ये देखो हिसाब, कपड़े की मिल 8 लाख का फायदा, शक्कर की मिल 5 लाख का फायदा, कांच कोयला जिधर देखो फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है। अफसोस, जब से पैदा हुए 1, 2, 3 के चक्कर ही में रहे, अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतने हजारों करोड़ों रुपए को खर्च किस तरह से करूं। वाकई तुम्हारी हालत काबिले रहम है। हाँ यार, तो फिर तो चक्की बताओ ना रुपया खर्च करनी। मियाँ, यहाँ रुपया कमाना आसान है, खर्च करना बहुत मुश्किल। मगर तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, तुम ही बताओ क्या किया जाए। जरा सोचने का टाइम दो, छुरी के नीचे दम लो, देखो भी कोई तरकीब बताता हूँ। आ गई, आ गई। कौन आ गई? लड़की आ गई? लड़की नहीं, तरकीब आ गई, रुपया खर्च करने की तरकीब। तो बताओ क्या। बलैद से मकान बनाने की मशीन मंगवा लो। मशीन? मकान बनाने की भी मशीन होती है? अरे हाँ होती है। इस मशीन में इधर सीमेंट चूना गारा लकड़ी डालो, उधर खटक से बना बनाया मकान निकाल लो, और शहर में जगह जगह लगाते फिरो। बहुत अच्छा काम है, इस शहर की आधी से ज्यादा आबादी सड़कों पर सोती है, वो सब तुम्हारा मकान ले लेंगे। वो मेरा मकान ले लेंगे तो पैसे तो देंगे। मैं तो तुमसे पैसा खर्च करने की तरकीब पूछ रहा हूँ, ना कि कमाने की। सॉरी पार्टनर, एक चांस और दो। वो काटा, एक और तरकीब सुन। तू मुझे अपना सारा रुपया दे डा, बस छुट्टी हुई। अंदर मैं तेरी कुर्सी पर और तू बाहर वेटिंग रूम में, क्यों ठीक है ना? मिला हाथ। साथ बात तो बहुत जची, मगर चचा घसीटा राम कह गए हैं कि रुपया कुएं में डालो, मगर दोस्त को ना। क्यों? बात यह है कि दोस्त रुपया लेने के बाद दुश्मन हो जाता है, और मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तेरी दोस्ती चाहिए। यार तेरी दोस्ती तो मैं भी चाहता हूँ, अगर दोस्ती के साथ तेरा रुपया भी मेरे पास आ जाए तो क्या बुरा है। अच्छा, अगर तुझे मंजूर नहीं तो जाने दे। एक काम और कर। क्या? तेरे पिताजी जो 1, 2, 3 नसीहतें कर गए हैं, उनमें से 2 एक आजमा ले, दोस्तों को एक पार्टी दे, शानदार जलसा हो जाए, कुछ तो रुपया खर्च होगा। क्यों? ख्याल तो बुरा नहीं, इसमें पिताजी की नसीहतों की आजमाइश भी हो जाएगी। बस उठो, तुम रुपयों का बंदोबस्त करो और मैं खर्च करने का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ मगर यार, घर पे अगर रोमा को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करो, किसी होटल या रेस्टोरेंट में बंदोबस्त कर दो और रुपये ले लो। ओके, तभी ले जाएगा।
आज खुशी का दिन है, मेरे दोस्त मोतीलाल की शादी है, इसलिए पियो और जी भर के पियो। और हीरा लाल जब पीता है तो सब पीते हैं, पियो, कम ऑन, पियो पियो। तुम तो बादशाह हो, पियो पियो। लीजिए साहब बिल। बिल? हाँ, सिर्फ हमारा बिल दो। लीजिए आपका बिल। हाँ, जब हीरा लाल बिल देता है तो सब बिल देते हैं। लीजिए साहब बिल। बिल? अरे यार, तुम तो सबको पिला रहे थे। हाँ, जब हीरा लाल पीते हैं तो सब पीते हैं, और जब हीरा लाल बिल देता है तो सब बिल देते हैं। वाह भैया, खूब पार्टी में बुला रहा तुमने। कहो भाई, क्या हो रहा है घड़ा? कुछ पैसे ऐसे खर्च हुए कि नहीं? खर्च जो किया था उसे दुगना आ गया। तो पागल हो, तुम्हें पैसे खर्च करने के लिए कहा था, ना कि बनाने के लिए। गुस्से मत हो, एम्बॉय ड्रिंक। नहीं नहीं, ड्रिंक नहीं भाई, ड्रिंक नहीं पीते। ये वापस करो। बॉयमैन, इसको हमारे सामने रखो। तेरा नाच कहाँ है? पब्लिक के पुरजोर इस्तेमाल पर अभी शुरू होने वाला है। तू तो कह रहा था शुरू हो गया। मोदी तो सबको पिला रहा है और खुद नहीं पीता। मैं तो कभी शराब नहीं पीता भाई। दो यार, हाथ तो तुम्हें जरूर पीना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। अच्छा अच्छा, अच्छा पीता हूँ, पीता हूँ, पीता हूँ। देखा, मोदी मेरा बड़ा यार है। पीगा? लो ये भी पियो। नहीं नहीं, बस एक काफी। ये भी पियो यार, एक काफी। ये भी पीना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, पीता हूँ, ये भी पीता हूँ। देखा, मोदी मेरा बड़ा यार है। ये भी पी गया? मैं और लाता हूँ। ला ला, मुक्की है। पिताजी ठीक कहते हैं, शराब बहुत बुरी चीज है। नाच। सावर से
भजन कर मिलने का कोई रजतन, तुझे ढूंढता है मन मेरे सांवरे सजन, कर मिलने का कोई रजतन। मेरी रोए रे जवानी के है गम की कहानी, मेरी रोए रे जवानी के है गम की कहानी। तूने एक न बानी रे पिया, ओ तूने एक न बानी रे पिया, अजर बलम तुझे मेरी कसम, मेरा जिया नहीं लागे रे। तू जब से गया परदेस पिया, मेरा जिया घबराए रे। तू जब से गया परदेस पिया, मेरा जिया घबराए रे। अच्छी चिकनी मिट्टी देखी तो बस फिसल गए। यहाँ बुलवाओ ना जरा। बुलवाने की क्या जरूरत, वो तो अपने डांस की कीमत लेने इधर ही आ रही है। आइए मिस बेटी, मिस्टर मोतीलाल। हेलो हेलो, वो टू सिट डाउन। थैंक यू। माय पेमेंट प्लीज। वो भी वसूल हो जाएगा और उसके साथ किसी का दिल भी। वेरी बिग टेक इंडियन हेनरी फोर्ड। यस सॉरी, आपका डांस के साथ हमारा दिल भी डांस करता है। यू टू डेंजरस एम आई? आई थिंक आई एम गोइंग टू लाइक यू। हमें कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, हम चेंज करके आता और तुम्हारा साथ पैदल के वास्ते जाता। पैदल के वास्ते? हाँ पैदल के वास्ते, I mean for a walk, darling. Oh, walk. मैंने कहा इधर सुबह तो पैदल के लिए जाता, उधर बारात हम लेकर जाता। बारात? अरे आज तो मेरी शादी। जी मगर बारात तो 11 बजे चलेगी, अभी तो 9 ही बजे हैं। यार हीरा लाल, पिताजी हमें औरतों के बारे में कुछ गलत समझा गए। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो ये लड़की यहाँ खड़ी थी, इतने नजदीक से कितनी अच्छी मालूम हो रही, मुझे तो कौन रुख दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुमसे करनी पड़ी। तुमको किसने मजबूर किया था? तुमने नहीं, तुम्हारी दौलत ने मुझे मजबूर किया, वरना मैं तुमसे शादी करता। तुम मेरे सामने एक औरत की बेइज्जती नहीं कर सकते। औरत नहीं, मेरी बीवी है। बीवी भी औरत है, तुम इसकी बेइज्जती मेरे सामने नहीं कर सकते। मैं करूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। पिताजी ठीक कहते, शराब के नशे में इंसान इंसान नहीं रहता, बिल्कुल जानवर बन जाता है। चलो यार। किस तरह से निकल सकते हैं? नहीं रखा। ये तो अपनी मिस बेटी है। हेलो बेटी। यू गेट अप, गेट अप फ्रॉम हियर। निकल बाहर। बाप रे। पिताजी सच कहते, देख ली इन औरतों की असलियत, सर से गंजी और मुंह में दांत नहीं। भाग बेटा। अरे भाई क्या बात है, 11 बजकर अभी तक बारात नहीं आई। घबराती क्यों हो? आखिर बारात की तैयारी में भी तो कुछ वक्त लगता है। बारात की तैयारी? मैं 2 दफा आदमी भेजकर पता मंगवा चुका हूँ, वो हजरत बार में दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं। बारात की फिक्र ही किसको, देखती नहीं टाइम क्या हो गया। ऐसा न कहिए बाबू जी, वो ऐसी नहीं है, बारात अभी आती ही होगी। खैर मैं बाहर जाके देखता हूँ। पहन लो ना। रुमा टेलीफोन आया है, तुम खुद ही सुन लो ना। मोती का है? मोती का इस वक्त? हेलो मोती, बारात कहाँ है? हवालात? अजी मैं बारात की बात करती हूँ और आप हवालात की। हवालात में बारात क्या थी?
है? जमानत सुबह से पहले नहीं हो सकती। मोती तुमने क्या किया है? क्या हुआ, बारात चली कि नहीं? चल चुकी, वो तो हवालात में पड़े हैं। आशा, मेरी शादी फिर से रुक गई। आप जा सकते हैं। कहो मोती। जी बाबूजी, वो बात नहीं हुई। बात मैंने सब सुन ली। अब तो तुम ठीक हो ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना, खाना मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, रहने की जगह मुफ्त, सब कहनी चाहिए। लेकिन तुम तो कल बारात लेकर मेरे घर आने वाले थे। जी हाँ, मगर ये भी तो घर आदि का है। क्या मतलब? मतलब ये कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा घर, और मेरा घर तो आपका है ही, क्योंकि मेरा आपका रिश्ता ही है। ये रिश्ता तो मैं कभी ना करता अगर मुझे रोमा का ख्याल ना होता या तुम्हारे बाप की वसीयत का ख्याल ना होता। खैर अब चलो, मैंने तुम्हारी जमानत दे दी। बाबू जी आप आदमी बढ़िया हैं। बहुत खूब। तो शादी की रात हमारे बॉस ये खाने में काट के आए। बारे मेरे बॉस यार, कुछ भी हो अपना बॉस है आदमी रंगीला। गया था शादी कराने और पहुंच गया जेल खाने। रोमा देवी क्या सोचते होगी? रोमा देवी तो ये सोचती है जैसा तुम्हारा बॉस रंगीला है वैसे उसका स्टाफ। तुम लोगों को सिवाय अखबार पढ़ने के कुछ और भी आता है? जी आज सैटरडे है। सैटरडे है तो छुट्टी करो। जी बहुत अच्छा, मगर हमारे बॉस को भी। ये बॉस के बॉस का हुक्म है। जाओ जाओ अपने अपने घर। थैंक यू, थैंक यू। रोमा तुम? जी मैं। कोई एतराज है आपको? एतराज? मुझे तो खुशी है वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। तुम्हारे घर तो मैं कल ही आ गई होती अगर तुम हवालात की सैर करने ना गए होते। कल कल जरा गड़बड़ हो गई। बैठ बैठ जाओ। बैठ जाओ। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ ये हुस्न जमाल, ये लिबास। ये लिबास शादी का है। जब कल तुम्हारा टेलीफोन आया इसे पहनकर तुम्हारी बारात का इंतजार कर रही थी। ये दूसरी बार बनवाया है, अगर तीसरी बार बनवाने गए तो दर्जी भी हंसेगा। कोई नहीं हंसेगा, हमारी तुम्हारी शादी जरूर होगी जैसे पिछली दो बार हुई थी ना। अब क्या ऐसा नहीं होगा? मुझे तुम्हारा बिल्कुल भरोसा नहीं। चलो मेरे साथ अभी सिविल मैरिज करेंगे। ये तो मिलिट्री मैरिज हो रही है, सिविल मैरिज कहाँ है? मिलिट्री हो या सिविल, शादी तो जरूर होगी। हाँ हाँ होगी, होगी और जरूर होगी, मैं भी तो कहता हूँ, मगर हिंदुस्तानी तरीके से होगी। मैं दूल्हा बनूंगा, तुम दुल्हन बनना, और फिर जनाब मेरी बारात तुम्हारे घर आएगी जैसे पिछली दो बार आई थी। झूठे। झूठा मैं? हाँ हाँ बिल्कुल झूठे। अगर झूठे नहीं तो तीसरी तारीख मुकर्रर करो। कर लेंगे, जल्दी काहे की है, अब कभी तो मैं हवालात से आया हूँ। देखा तुम साफ तरखा रहे हो। लोग भी पिताजी से यही कहते हैं, मोती जानबूझ के तरखा रहा है। हमारे पिताजी शर्म के मारे किसी को मुंह तक नहीं दिखा सकते, और एक तुम हो हवालात के दूसरे दिन ही दफ्तर में आ धमके जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे माफ कर दो रोमा, मैंने तुम्हारा दिल तो जरूर दुखाया है, मगर पहली और दूसरी मर्तबा जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, ये तो मेरा मुकद्दर खराब था। कर रहा है मुकद्दर इशारा हमें तेरे लारों ने रखा कवारा हमें। एक दो तीन, एक दो तीन हो तो करो इतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं हजार। एक दो तीन हो तो करो इतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं हजार। भोली भाली सूरतें दिल में कदूरतें, भोली भाली सूरतें दिल में कदूरतें, हमें तो ये जानते हैं नन्हा सा शिकार, हमें तो ये जानते हैं नन्हा सा शिकार, इसलिए करते हैं रोज छेड़छाड़, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं हजार। एक दो तीन, एक दो तीन हो तो करो इतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं हजार। एक दो तीन हो तो करो इतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं हजार।
है जुहार, पिया जी ने ला रहे हमें दिए हैं हजार, एक दो तीन, एक दो तीन हो तो करूँ एक बार, पिया जी ने ला रहे हमें दिए हैं हजार, एक दो तीन हो तो करूँ एक बार, पिया जी ने ला रहे हमें दिए हैं हजार। अखियों के नूर रहो दूर दूर ये मैं कहूँगी जरूर, देखिए दूर मेरी अखियों के नूर रहो दूर दूर ये मैं कहूँगी जरूर, लगेगी न तेरी मेरी नाक की पार, सुनी नहीं तूने मेरे दिल की पुकार, लगेगी न तेरी मेरी नाक की पार, सुनी नहीं तूने मेरे दिल की पुकार, एक दो तीन हो तो करो एक बार, पिया जी ने ला रहे हमें दिए हैं हजार, एक दो तीन, एक दो तीन हो तो करो एक बार, पिया जी ने ला रहे हमें दिए हैं हजार, एक दो तीन हो तो करो एक बार, पिया जी ने ला रहे हमें दिए हैं हजार। आपको जरा गड़बड़ हो गई। हाँ तुम जरा जल्दी से यहाँ आ जाओ। अच्छा तो मैं भी आती हूँ। आ गए तुम, इतनी देर कहाँ लगाई? क्या बात है, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? ओ बाप रे, ये चाकू फल काटने के लिए या गर्दन काटने के लिए? ये चाकू दोनों काम आता है। इसे दूरी रखो। ये क्या कर रहे हो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? खैरियत तो है? अभी सब खैरियत मालूम हो जाती। जी ऊपर अपने कमरे में है और उनके साथ उनके दोस्त मिस्टर हीरालाल जी। अच्छी बात। बदमाश, बैंक के मैनेजर ने मुझे खुद बताया कि तू उसे 1 करोड़ रुपया वसूल करके ले गया, मगर मैं तो बैंक के मैनेजर। बदमाश, बैंक का मैनेजर तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि तुमने कम से कम उसके साथ 5 मिनट बात की। तू मेरा 75,000 रुपया खा जाना चाहता है? बता बदमाश, जो रुपया कहाँ है, नहीं तो मैं डाल बजा। दरवाजा खोलो मोती, मैं अंदर आना चाहती हूँ। तुम इस वक्त अंदर नहीं आ सकती, चली जाओ यहाँ से। बता बदमाश, जो रुपया कहाँ है? बना मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, वो चेक मुझसे खो गया है। देखो हीरालाल, 75,000 रुपए की कोई बात नहीं, मगर कुत्ते की जात पहचानी जाती हूँ। तुम जिस एरिया चाहते हो उसी एरिया सुराग करना चाहते हो? बताओ रुपया कहाँ? दलील दिमाग दिमाग के बात करो मोती, दुकान के बच्चे बताओ रुपया तुमने लिया है? गली लिया है, 1,000 बांध लिया है, कर ले जो तुझे हो सके। ऐसा तू दोस्त नहीं है, इंसान की खाई में खूनी खेल गया है। साहब के औलाद मेरा रुपया इसी वक्त निकाल। नहीं निकालता, नहीं निकालता। बीबी जी, मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो, जाओ। मुझे छोड़ दो। कह दिया तुमसे कि अंदर नहीं आ सकती। तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैं जरा कुछ काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो या किसी का काम तमाम कर रहे हो? रहम रहम, मैं भी क्या करें? मेरी अलमारी में से मेरा एक सूट पहन ले जाके और ये कपड़े वहां उतार दे, समझा? और इतनी देर में मैं तेरा काम तमाम किए देता हूँ। काम तो हूँ। अरे हाँ, वो बूचर खाने से ताजे ताजे खून की बोतल आई। ओहो,
बदल लिए कपड़े? ला ये कपड़े बदल लगा दिया क्या? पक्का किया है देखो, अब तुम यहाँ से सीधे अंबाले चले जाओ, ग्रीन होटल में ठहरना। जब तक मैं खबर ना करूं बिल्कुल वापस ना। ओके जैसा नहीं, और वहां जाके कुछ ड्रेस बदल लेना, दारू मूछ लगा लेना, और सेठ घनश्याम दास के नाम से रहना। घनश्याम दास? और ये लो रुपए, अगर और जरूरत पड़े तो मुझे सार दे देना, मगर मेरे इतला किए बगैर ना आने बिल्कुल। ओके जी, आप इधर तुम पीछे के दरवाजे से चले जाओ और ये बोतल अपने साथ नहीं देना। पीछे के दरवाजे से चला गया। पीछे क्या? ये लाल चाय गिर गई। लाल चाय? ये क्या? ये तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे छुपाते हो? छुपाने की कोई बात हो तो छुपाऊं? मुझ पर एक बार नहीं, तुम पे अगर मैं करूंगा रोमा तो किस पे करूंगा? मगर मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, मुझे सच सच बता दो तुमने क्या किया है। ये मेरा भेद किसी से कहोगी तुम्हें? तुम्हारा भेद किसी से कहोगी? इतनी पागल हूँ तो कसम खाओ। मैं कसम खाती हूँ, मेरे कीड़े पड़े जो किसी से कहूँ। अब जल्दी से बता दो, मेरा कलेजा धड़क रहा है। हीरा लाल मेरे 75,000 रुपए खा जाना चाहता था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको मार डाला। उसकी लाश, उसकी लाश के मैंने टुकड़े टुकड़े कर और गायब कर दिया। उसके खून से भरे हुए कपड़े मैंने अलमारी के पीछे छुपा दिए। अलमारी के पीछे? देखो रोमा, अब अगर ये बात तुमने किसी से कही तो मुझे फांसी हो जाएगी। मैं किसी से नहीं कहूंगी, मैं क्यों कहूंगी? तो अब तुम यहां से जाओ, मुझे ये खून साफ करना है। जल्दी लिख कहना मत किसी। देख रही हूँ तुम बात करते करते खो जाती हो, अपने ध्यान में गुम हो जाती हो और जरा जरा सी बात पे चौंक पड़ती हो। रोमा जरूर तुम्हारे मन में कोई बात है। रोमा बता दो मुझे, अपनी सहेली को बता दो, मुझ पर एतबार नहीं तुम्हें, अपनी आशा पर भरोसा नहीं तुम्हें। बात यह है कि मोती ने, हाँ हाँ क्या किया मोती ने? कुछ भी नहीं, तुमसे किसने कहा उसने कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। मैं समझ गई। क्या? अरे पगली यही कि मोती ने तुमसे झगड़ा किया होगा और अभी तक सुलह नहीं हुई। आने तो दो उन्हें आज, मैं कान पकड़ के ठीक कर देती हूँ। मेरी सहेली को डांटते हैं, आए तो जरा।
रोमा 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 हाँ? क्या है रोमा? जरूर कोई बात है जो तू मुझे बता नहीं रही है। अच्छा जा, ना बता, मैं भी तुझे कोई बात नहीं बताऊंगी। बाय बाय। प्रिंसेस, तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैंने कसम खाई है किसी से नहीं कहूंगी, तुम भी किसी से ना कहना। मोती ने खून कर दिया है, खून। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, किसी से ना कहना। घबराओ नहीं रोमा, डॉक्टर साहब आ गए हैं, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ रोमा, कैसी तबीयत? चार दिन हो गए हैं किसी से बात नहीं करती, कभी पेट पर हाथ रखती है, कभी मुंह पर हाथ रखती है, कभी आंखें दिखाती है, कभी चीखती है, कभी चिल्लाती है, ना जाने क्या हो गया है इसे। दिमाग पर कुछ बोझ है, इन्हें कुछ जहमी सर ना पहुंचा लगता है। मुकम्मल आराम की जरूरत, ना दवाई भिजवाएंगे। आप ऐसा कीजिए जिसमें साथ हो। रोमा रोमा, मैं किसी से नहीं कहती, सच कहती हूँ, मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। तेरा पेट छट जाएगा, बता दे मुझे। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? रोमा, तेरे दिमाग पर बोझ है, मैं कहती हूँ बोझ हल्का कर ले, अपनी सहेली को बता दे। मैं भला बातें बाहर निकालने वाली हूँ? बात बस तेरे और मेरे दरमियान रहेगी, बता क्या बात है। बोल बोल। मोती ने खून कर दिया। हाल बताती हैं, मैं तो पूछ पूछ के हार गया हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आखिर इन्हें तकलीफ क्या है। सिर्फ इतना जानता हूँ कि रात को कांपने लगती हैं, जरा जरा सी बात पर डरने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, इसके दिल पर सदमा पहुंच रहा है। अगर इसी तरह चुप रहूं तो मुमकिन है कि दो चार दिन में। अच्छा, मैं दवाई भिजवा देता हूँ। सुन लिया तुमने तो अफसर ने क्या कहा है? तेरा पेट फट जाएगा, बता दे। अगर बात नहीं करेगी तो पागल हो जाएगी। अच्छा ले, ये सेब खा ले, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। ले। क्या बात? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं तुम्हारा पति, अपने दिल का हाल अगर तुम मुझे नहीं बता सकती तो फिर किसे बताओ? कोई बात नहीं है। मैं आज पूछ के ही रहूंगा। बताओ बताओ बताओ, किसका खून? किसने किया? मोती हीरालाल का खून किया। रोमा ने मुझे बताया था, हीरालाल मोती के घर गया था और मोती ने उससे झगड़ा किया एक चेक के लिए, तो हीरालाल ने मोती का चुराया था। मोती ने खुद से नाराज होकर चाकू मार दिया, उसकी लाश नहीं घास पर थी, उसके खून के भरे कपड़े अलमारी के पीछे छुपा दिए। लेकिन देखो, भगवान के लिए किसी से कहना नहीं, नहीं तो मेरी सहेली का सुहाग लुट जाएगा। भूख लगी है। अरे चाय और लो ना। चाय तो तुम ऐसे पिला रही हो जैसे तुम्हारा अपना घर है नहीं, वो तो जाएगा। हाँ, अब के बाद तो हो जाएगा। नमस्ते भाभी जी, क्या हो रहा है? नमस्ते। अच्छा बाबा, मैं जाती हूँ। अरे इशारा ना, उस साड़ी के बारे में राय लेनी है अभी तो। उनसे राय ना लो, वो तो बीमार थे और बीमार आदमी से राय लेनी नहीं चाहिए। अभी तो अच्छी रही है। अच्छी हो गई? बुखार बुखार उतर गया? जी बुखार उतर गया, उतर गया। अरे बैठो ना। चलो ठीक है, अब तो हमारी तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। लो बाबूजी भी आ गए। नमस्ते बाबूजी, आइए। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा। बेटा देखो, सर तो तुम्हारी शादी की पार्टी से जिन लोगों को बुलाया है ये उसकी लिस्ट है। जरा देखो, तुम्हारा तो दोस्त है तो नहीं क्या? अरे हाँ, तो ठीक है ना। हीरा लाल, अम्मी लाल, और तो सब ठीक है, सिर्फ शेखर का नाम नहीं है। वो तो मेरा बहुत जिगरी दोस्त, अगर वो ना आए मेरी शादी में तो फिर शादी का मजा नहीं आता। अरे सचमुच कैसे गलती हो गई? ये नाम तो मेरी सबसे प्यारी सहेली के पति का है। चलो मैं ही लिखे देता हूँ। अरे आओ भाई शेखर, अच्छे वक्त पर आ गए। क्या बात है शेखर, कुछ परेशान से नजर आते हो। क्या तो है मोती? मोती मुझे बहुत अफसोस है, मैं कानून के हाथों मजबूर, मेरी दोस्ती भी फर्ज के रास्ते में हाल नहीं। मगर इस तकलीफ की यहाँ क्या जरूरत है? साफ साफ कहो ना। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? मुझे गिरफ्तार करने? मगर मेरा कसूर क्या है? खून, हीरा लाल का खून। हीरा लाल का खून? शेखर मैं आपको जो कुछ कहना है थाने चल कर कहिए। लेकिन आप तो इनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। कानून की नजर में दोस्त और दुश्मन एक है। मगर आपने तो। चलिए शेखर साहब, मैं तैयार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए अपनी शादी के मेहमानों की लिस्ट। न मैं आपका एतबार करता ना उस तरह पकड़ा जाता। लेकिन मेरी भी तो मोती सीप से निकल चुका है, ये कमान से छूट चुका है, अब मोती के गले में फांसी के फंदे का इंतजार है। ऐसा न कहिए। चलिए शेखर साहब, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम अपने वकील को भी साथ ले आता हूँ। मेरा क्या होगा? घबराओ मत बहन, और तो सब ठीक हो ही जाएगा। मुझे तो सिर्फ इस बात का अफसोस है कि तुम्हारी शादी फिर से रुक गई। शादी के बच्ची बड़ी आई मेरी हमदर्द, मेरे मंगेतर को फांसी पे चढ़ा के अब तो तेरे कलेजे ठंडक पड़े कल। मैंने क्या किया? तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। मैंने बहुत सोच की लेकिन बात मुझे निकली नहीं, बात मुझे निकली गई। अपने छोबड़े को बंद रखी, तूने जब अपने मुंह से बात देखी क्या बताया मुझे तूने? मैंने इसलिए नहीं कहा था कि तू अपने घर वाले से कह दे और वो मोती को पकड़ के ले दे। आने सच कह गए कि औरत से कभी एक बार ना करना। क्यों तू कहाँ से मर गए? फिर औरत से ही और तो, अगर तेरी तरह डैन चुड़ैल नहीं हूँ, मेरे मंगेतर का कलेजा खाने वाली मैं आज तेरा कलेजा खा जाऊँ। मैं तेरा ना खा जाऊँगा। शेखर
अब मुझसे मिलने से क्या फायदा? ये आप क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, पुलिस वालों को मेरा भेद बताकर तुम मुझसे मिलने आई? मैं कसूरवार हूँ, मगर क्या करूँ, बात मेरे मुँह से निकल गई। कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दिल का। दिल का? हाँ दिल का। तुम किसी और से मोहब्बत करती हो रोमा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जरूर करती। तुमने सोचा इस तरह मोती का बेड़ा पार कर दे और फिर आराम से किसी और से शादी करें, ठीक है ना? तुम ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो उसे आए जो किसी का बुरा था। मैंने तुम्हारे लिए क्या बुराई की? मेरा तो कसूर सिर्फ इतना ही था कि तुम्हारा एतबार किया था। आज उस एतबार का मजा चक्कर था। मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं बड़े से बड़ा वकील करूंगी, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, मगर मैं तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा के जम लूंगी। अब झूठी मोहब्बत जताने की कोशिश न करो, आराम से अपने घर चली जाओ और मुझे मेरे हाल से छोड़ो। नहीं वो भी सुना तो चली जाओ रोमा। सरदारी लाल तुम कितने साल से मुल्जिम के यहाँ नौकर? याद नहीं। हाँ मगर इतना याद है जब कमेटी के बाहर जगह बन रहा था तब से नौकर। क्या काम करते हो? जी नौकर। अच्छा तो ये बताओ कि मुल्जिम और हीरा लाल के ताल्लुकात कैसे थे? बड़े दोस्त जी, बड़े मित्र जी, बड़े प्यार मोहब्बत वाले जी। तुमने इतने अरसे में मुल्जिम और हीरा लाल का कोई झगड़ा सुना? बाप और बेटे में झगड़ा हो सकता है, मगर हमारे साहब और हीरा लाल जी में कोई झगड़ा नहीं। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मुल्जिम हीरा लाल का खून कर सकता? जी हमारे साहब आदमी क्या मक्खी तक नहीं मार सकते, वो खूनी कैसे हो सकते? ठीक है हुजूर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। दूसरा अखबार पेश हो। आप कसम खाइए कि जो कुछ कहेंगी सच सच कहेंगी। मैं कसम खाती हूँ कि जो कुछ कहूंगी सच सच कहूंगी। अच्छा देवी, आपके पति मिस्टर शेखर सुपरिंटेंडेंट पुलिस है? जी। आपके पति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हीरा लाल के खून की खबर सबसे पहले आपने अपने पति को बताई? जी। ठीक ठीक बताइए, हाँ या ना? हाँ, हाँ। तो ये खबर आपको कैसे मालूम हुई? क्या इस कत्ल को आपने अपनी आंखों से देखा था? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर ये खबर आप तक कैसे पहुंची? जी मुझे कुछ ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है। इतना बड़ा कत्ल हो गया और आपको कुछ याद नहीं आ रहा? जी मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं, शायद किसी ने कह दिया हो। हाँ हाँ शायद। कौन? जी सर मैं कुछ कह नहीं सकती। आपको बताना होगा। जी मुझे रोमा ने बताया था कि आपने हीरा लाल को कत्ल किया। ये कैसे होता है? तेरा नाम बीच में कैसे आ गया? हुजूर मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मिस रोमा मनसुखलाल को गवाही के लिए पेश होने का हुक्म दिया जाए। हुजूर मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, मुल्जिम कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल नावाकिफ है, वो अपने बुरे भले को भी नहीं समझता। मैं आपका वकील हूँ, मुझे मालूम है क्या करना है। वकील साहब आप कानून जानते हैं और मैं इंसाफ चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस रोमा को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि इस मुकदमे की सफाई के लिए उनकी गवाही की बहुत सख्त जरूरत है। आप अपना केस खराब कर रहे हैं। मेरा केस खराब हो जाने दीजिए, मैं सच्ची बात नहीं बता। अगर आप खामखा आपके मुंह में जाना चाहते हैं तो मेरी सफाई की क्या जरूरत है? हुजूर मैं मुकदमे से दस्तबरदार होता हूँ। वकील साहब अगर आप मेरा मुकदमा नहीं लड़ सकते तो मैं अपने मुकदमे की खुद पैरवी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई चाहता हूँ। इसमें अगर किसी को फांसी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ऑल राइट, मिस रोमा मनसुख लाल को हाजिर किया जाए। आप कसम खाइए कि जो कुछ कहेंगी सब सच कहेंगी। मैं कसम खाती हूँ जो कुछ कहूंगी सब सच। अदालत से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कबाब को पूरा दिखाया जाए जो मेरे कमरे में सबको लिखा हो गया। मिस रोमा मनसुख लाल आप इस छुरे को पहचान बताइए ना। ये आप ही का चाकू है? मेरा मतलब है मैंने आपके कमरे में पड़ा हुआ देखा था ना।
किस रोज? किस रोज? उस रोज यानी 15 दिसंबर के दिन। हाँ हाँ उसी रोज जिस रोज के कहा जाता है कत्ल हुआ। अच्छा ये बताइए कि आप मेरे कमरे में ये छुरा देख के डर क्यों गए? इसलिए कि इस पर खून लगा हुआ है। खून लगा हुआ मालूम तो ऐसे ही होता है। अब छुरा रख दिया। हाँ तो मिस रोमा मनसुख लाल, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मुल्जिम ने यानी मैंने हीरा लाल का खून किया? थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप मेरी मगेतर। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? मिस रोमा अदालत इंसाफ देखी, मेरे और आपके रिश्ते को नहीं। मेहरबानी करके ये बताइए कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने हीरा लाल का खून किया? क्या आपने खून होते हुए अपनी आंख से देखा? नहीं। तो फिर किसी नौकर ने देखकर आपको बताया? नहीं। तो फिर आपको कैसे मालूम हुआ? आप ही ने तो कहा था कि मैंने हीरा लाल को जान से मार डाला है। मैंने कहा था? कुछ ऐसे ही बातों में से बात निकल आई थी। न जाने वो कैसा बुरा वक्त था जो आपने ये बात मुझे बताई और मैंने आशा को बताई और आशा ने अपने पति पुलिस वाले को बताई। क्या ही अच्छा होता जो ये बात आप मुझे न बताते। रोने से कोई फायदा नहीं निकला, जो कुछ होना था हो गया। मामला अदालत के हाथ में, आपने अपना काम कर दिया, अब इंसाफ अपना काम करे। अब अगर सरकारी वकील साहब भी गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं, अब मैं ज्यादा जरा नहीं करना चाहता। मुकदमा बिल्कुल साफ है। गवाहों के बयानात से, मुल्जिम के छुरे से, खून के भरे हुए इन कपड़ों से मुल्जिम का जुर्म साफ साबित हो चुका है। अब मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कानून के तहत मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरी
भैया अरे भाई मालिक क्या कर रहे हो, देखना कहीं मिसावा बारिश ना हो जाए। आप फिक्र ना करें साहब। अरे भाई फिर भी क्या जरूरी है, क्या संभाल कर मेरा कमरा है, वहाँ चल के कपड़े सुखा लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। नहीं मुझे देर हो रही है, मुझे थिएटर जाना है। अजीत थिएटर का शो तो आप कल भी देख सकती हैं, मगर इस हालत में वहाँ पहुँचने से पहले चालान हो जाएगा। मुझे शो देखना नहीं दिखाना है। अच्छा तो आप वहाँ? जी हाँ, मैं जी फटाफट थिएटिकल कंपनी ऑफ बठिंडा की हीरोइन हूँ। हीरोइन? आप हीरोइन? जी, आज सुबह से ही कुछ हो रहा है, पहले गाड़ी खराब हो गई फिर आप मिल गए, अब ऐसी हालत में मैं डांस कैसे करूंगी? माफ करना, ये सब मेरा कसूर है, मैं अभी कुछ खिदमत कर सकता हूँ, अंदर आइए ना। चलिए, कहीं ना कहीं कपड़े तो सुखाने ही है। ये जदीद इत्तेहाद की बात है कि जब भी हमारी और आपकी मुलाकात होती है तो देर ही नहीं होती, मुझे इसकी कोई खुशी नहीं। क्यों, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जब मैं फांसी के सस्ते पे लटका दिया जाऊंगा तो आपकी बेटी को आजादी मिल जाएगी। ऐसी बातें करते रोमा का दिल में दुख होगा, मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमसे कर रहा था। जी हाँ, आपकी इकलौती बेटी की शादी मुझसे हो तो रही, लेकिन उनकी वजह से आप मुझे मौत से शादी करनी पड़ रही। उनकी जगह तुम अपील का बंदोबस्त कर रहे हो, तुम जरूर छूट जाओ। मुझे अपील नहीं करनी। ऐसा ना कहिए, हम अपील जरूर करेंगे। तो ये पिताजी, नंबर 5 की चाबी? जी चाबी तो ऊपर है सर। ऊपर है? थैंक यू। आइए। बस जी, वो गर्मा गर्म चाय ले आओ। मक्खन प्लाई? वेरी नाइस। आइए। देखिए आप चेन के पीछे कपड़े बदल लीजिए। उधर थिएटर का मैनेजर दरवाजे पे खड़ा मेरी शाम को रोता होगा। रोने दीजिए। मुखी जी, हजूर हमें अभी तक यही आए। नहीं आए थे। अब क्या, तमाशा कैसे शुरू किया जाए? खेल शुरू होने में 25 मिनट रहते हैं,
हार समझी गई। कंपनी की गाड़ी में गलती है, दूर से काम नहीं चलेगा। ये बताओ कि हमें कैसे ढूंढेगा? मैं क्या जानू, पुलिस का काम तो मैंने कभी किया नहीं, खाली थिएटर की नौकरी की है। जी मैं कहाँ का आदमी हूँ, मैं तो फटाफट मेडिकल कंपनी और बठिंडा का मैनेजर अर्जुन तो हिरन, वो जेल में आए तो जेल नहीं हो, और अगर जेल न हो तो पैसे नहीं मिल सकते, और अगर पैसे न मिले तो मैं किसी को तनख्वाह नहीं दे सकता, और अगर तनख्वाह न दी जाए तो कंपनी सब खाना खराब। मैं खुद जाता हूँ, आप ख्याल रखिए। बहुत अच्छा अर्जुन, साहब ले आओ, तुम जाओ जाओ के जाओ। शो का टाइम हो रहा है मगर मेरी साड़ी अभी तक नहीं सूखी। ना जाने आपकी साड़ी कब सूखेगी, मगर हम तो खड़े खड़े सूख गए हैं सरकार। लीजिए गर्मा गर्म चाय। और आप नहीं पियेंगे? हम तो आपको देख देख के जिएंगे। जी सरकार, देखो तुम जरा जा करो, मैं भी आता हूँ। अच्छा सर। दादा जी, अभी अभी कुछ रखिए जरा, कमरा नंबर मालूम सरकार? हैं? कमरा नंबर नहीं मालूम सरकार। कैसे ऐसे लड़की कैसी है? बड़ी खूबसूरत, कमर पतली, नजर तिरछी, चाल मतवाली। हजूर काम बन गया, रूम नंबर 5 फर्स्ट फ्लोर। पहला माला? यस सर। हजूर बख्शीश है। सलाम हजूर। इससे मालूम हुआ कि आपके थिएटर का मैनेजर बिल्कुल गधा है, एकदम गधा। खाना बहुत सारी चाय गिर गई, मगर आप हैं कौन और मूठ है मेरे कमरे में क्यों घुसा? इसकी वजह अभी आपको बताता हूँ। श्यामा, ए श्यामा, जल्दी से कपड़े पहन कर इधर आओ। अभी आई थी। अच्छा, तो आप ही हैं जिनका जिक्र ख्याल हो रहा था? जी हाँ, मैं वही गधा हूँ। श्यामा जल्दी करो, शो में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए। आई थी, अभी आई। आप प्राइवेट प्राइवेट? माफ कीजिएगा मैनेजर साहब, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इन्होंने बड़ी मदद की। जी हाँ, अब बातें ना करो, लोग उधर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए। खाना खराब? चलो चलिए। घुमक घुमक चली कामनी, घुमक घुमक चली कामनी, प्रसंग नृत्य करन की ठानी, घुमक घुमक चली कामनी। पायल बाजे छठिठुम छठिठुम, मंदिर बाजे घुमकेत घुमकेत, मंदिर बाजे घुमकेत घुमकेत, घुमक घुमक चली कामनी, घुमक घुमक चली कामनी। चोर नजर से कांप रही सखियन के डर से, कांप रही सखियन के डर से, सांझ सुहानी रुक मस्तानी, सांझ सुहानी रुक मस्तानी, संग नृत्य करन के ठानी, घुमक घुमक चली कामनी, घुमक घुमक चली कामनी।
पे खड़ा देना, यमुना तट पे खड़ा केला, बाट सके उसकियल बेला, बाट सके उसकियल बेला। ओ मंदी वाले, ओ मत वाले, वो श्याम नगर की नटखट छोरी, वो श्याम नगर की नटखट छोरी, श्याम नगर उस ओर है गोरी। नहीं तो सोने की चिड़िया इस भूखे मजनू के साथ भाग जाएगी और तुम सब जागते रह जाओगे, खाना खराब हो जाएगा। हजूर सब लड़कियों को बांध लूं, मेरा मतलब है सब सामान बांध लूं। मेरी तरफ इन अजीब नजरों से क्यों देख रही है?
क्या ये हसीन और प्यारा चेहरा तुम्हें पसंद नहीं? चेहरा तो पसंद है मगर ये दाढ़ी पसंद नहीं। ये दाढ़ी? ये तो जादू की है। जादू की है? आंखें बंद करो। एक दो तीन, आंखें खोलो। अरे दाढ़ी कहाँ गई? ये भी एक राज है। राज है? हाँ श्यामा, ये एक राज है, वक्त आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्यामा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम बुरा तो ना मानोगी? तुम मेरे होने वाले पोतों की दादी बनना मंजूर करोगी? तुम्हारा मतलब है शादी? मगर इतनी जल्दी? आज का जमाना ही जल्दी का है, इधर सोचो उधर कर डालो। आज मोहब्बत, कल शादी, और अगर कल का दिन खाली गया तो खाना बर्बादी। हाँ कह दो ना। इतनी जल्दी शादी? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। क्या सोचा था? मेरी शादी होगी, बैंड बाजा आएगा। ओह, हम बैंड बाजे भी आ जाएंगे। बारात आएगी। बारात? एक कहते हो दो तीन आ जाएंगी। आजकल किराए का जमाना है, सब चीज किराए पे आम मिलती है। और मेरा दूल्हा फेरा बांध कर घोड़े पर आएगा। फेरा बांध कर भी आ जाएंगे, मगर हाँ, ये घोड़े पर चढ़कर आना जरा मुश्किल है। साइकिल चलेगा? नहीं। अच्छा डार्लिंग, तुम्हारी खातिर घोड़ा भी किराए का ले आएंगे। बस कल तुम तैयार है ना, पंडित भी आ जाएगा, बरात भी आ जाएगी, बाजे गाजे भी आ जाएंगे, घोड़ा भी आ जाएगा। हाँ, मगर याद रखो, तुम्हारे मैनेजर साहब को बताना चले। अब रोने से क्या फायदा, तुम्हारे आंसू मुझे नहीं बचा। आज से 7 रोज के बाद मुझे फांसी हो जाएगी, कैंसर है ना, और मेरे मरने के बाद किसी और से शादी कर लेना। तुम्हारे मरने से पहले मैं खुद मर जाऊंगी, मगर तुम्हें फांसी पे चढ़ते हुए नहीं देख सकते। मालूम होता है पिताजी ने मुझे पूरी बात नहीं बताई। कौन सी बात? इधर आओ, बता दो। पिताजी ने ये कहा था कि किसी औरत को अपना भेद न बताएं और कभी उस पर एतबार न करें, मगर वो बात आ गई। पिताजी ये कहना भूल गए कि औरत की जबान को तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन औरत के दिल पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जो कुछ अब तक हुआ वो मजाक। हाँ, नमकूनी हूँ ना हीरा लाल मरा है। मगर तुमने तो उस रोज सिर्फ तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए मैंने हीरा लाल को झूठ मूठ मार दिया था। कमरे में खून इधर उधर छिड़क के तुम्हें यकीन दिला दिया कि मैं खूनी हूँ। जरा खुश हो जाओ, आ चुको रहे। तुमने खामखा मुझे इतने दिन सताया, बहुत बुरे हो तुम। वाकई में बहुत बुरा आदमी, भगवान न करे अगर तुमने कुछ कर लिया होता तो मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढता। तुम्हारा क्या जाता, मजाक मजाक में हमारी जान चली जाती। मगर अब कहीं ऐसा न हो जाए कि मजाक मजाक में मेरी जान चली जाए। हीरा लाल को फांसी के दिन से पहले यहाँ पहुँचना चाहिए। अच्छा, मैं भी सुनाती हूँ, कहाँ है वो? सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। अम्बाला में ग्रीन होटल में ठहरा हुआ, पेट घनश्याम दास के नाम से गाड़ी मुझ लगा कर रहता है। अच्छा। सुनो, फांसी के दिन से पहले ले आना, और नहीं तो नहीं आई तो। कंपनी बंद है। कंपनी बंद है तो मैं श्यामा कहाँ? आपके लिए चिट्ठी दे रही हूँ। मेरे लिए? यार मुझे किसी तरह बचाओ। श्यामा किधर गए हैं ये लोग? पहले आप ये दूसरी चिट्ठी पढ़ लीजिए, थिएटर का मैनेजर आपके लिए दे गया। थिएटर का मैनेजर? मेरे लिए? बता, हमारा पीछा ना करना, ना जान से मार दीजिए। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि चिट्ठी मेरे लिए है? मैनेजर बोलता था एक बेवकूफ आदमी सेहरा बांध कर आएगा, ये चिट्ठी उसको दे देना। हम बेवकूफ?
बेवकूफ ये अभी मालूम हो जाएगा कि बेवकूफ कौन है। धीरे धीरे बता दो कि वो कहाँ गए वरना तुम्हें थाने ले जाऊंगा। सुबह की गाड़ी बंसीपुर चले गए। बंसीपुर क्यों सर? अपने लिए क्या होगा मैं साहब? तुम यहीं ठहरो और कोई अच्छी सी धुन बजाओ। कौन सी बजाओ साहब? छोड़ गए बालक। चलो भाई छोड़ गए बालक। टांगा टांगे वाले घनश्याम दास का कमरा नंबर क्या है? कमरा नंबर तो मगर इस वक्त बाहर क्या है? कहाँ? शादी करा द ग्रेट फटाफट थिएटिकल कंपनी ऑफ बठिंडा की हिरन मिस श्यामा के साथ आ रही थी। शादी? शादी? शादी शादी भी क्या अजीब चीज है। दो दिलों का मिलाप, दो घरों का खाना खराब। क्या कहा? मैंने कहा जी होटल का खाना खराब। माय डियर फूड 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 ये ग्रेट फटाफट कंपनी ऑफ बठिंडा है कहाँ? ये पास ही सदर बाजार में। क्यों भाई तुमसे करो ये गाड़ी आती है? हाँ साहब पर गाड़ी तो जाने वाली है। अरे भाजी अरे भाजी बैठे बात जाओ जो बस होता है मौज करो। सलाम भाजी राजा है राजा बाबूजी का आज ब्याह है ना खुशी में 10 रुपए दिए। जिनकी शादी है वो सब आपको ढूंढने स्टेशन गए हैं। मुझे ढूंढने? तो सर आपके साथ में शादी हो रही ना उनकी? मैं स्टेशन जाती हूँ। अरे देखिए मैम साहब स्टेशन मत जाइए आप। देखिए वो आपको ढूंढने स्टेशन गए, आप उनको ढूंढने स्टेशन जा रही हैं। अब देखिए वो इधर आ जाएंगे आप उधर चले जाएंगे। देखिए ऐसे फिर वो इधर आप उधर सब हम रखड़ जाएंगे। अरे आप देखिए हम लोग सुबह से खड़े खड़े इधर एक धुन बजा रहे हैं। देखिए हम भी आदमी हैं तो कोई और धुन बजा। कौन सी बजाए सर? आएगा आने वाला। चलो भाई आएगा आने वाला। 1 2 मैम साहब कुछ समझ में नहीं आता ये ऐसा आदमी हमने देखा है या नहीं। खास निशानी बताओ हमको शायद याद आ जाती है। छोटा सा कद है और दूर का चेहरा। अरे मैम साहब ऐसे आदमी तो सुबह से हम हजारों देखता है कोई और निशानी बता। उसने जरूर शादी का चेहरा पहना होगा। मैम साहब आज हम किसी बड़े अच्छे आदमी के मत्थे लगा है। सुबह से 4 आदमी फेरे वाले हमारे टांगे के बीच में बैठे हैं। अब हम किसकी गल देते? अब गल दसो। अब गल हुई ना मेम साहब लो हमको भी याद आ गया। ग्रेट फटाफट थिएटर कंपनी आप बठिंडे वाली उसका एक आदमी शेरे वाला हमको स्टेशन के बीच में लेके आया। फिर क्या गाड़ी में बैठ के बंसीपुर को चला गया। बंसीपुर को? बंसीपुर की गाड़ी कब जाएगी? वो तो बड़ी मधुत हुई चली गई। मधुत? आप बहुत देर हो गई चली गई। अब तो जाएगी कल 5 बजे। क्या मैं आप नहीं पहुंच सकती? जरूरी है बहुत जरूरी है। तो बस में चले जाइए स्टेशन के सामने बस स्टैंड है बैठो गाड़ी में हमारे हम बाईजहाज की तरह छोड़ के आता है। अगर सामने ही है तो क्या मैं खुद नहीं जा सकती? तो फिर आपकी मर्जी। ओए पुत्र ओए आज तो तुमने माल मारा है अब तेरी किस्मत में कहा ही कहा है और दो आने का गोल। Thank you.
ऐसी एकदम डाउन हो गई। बिल्कुल डाउन हो गई। क्या हुआ है? बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। आज बंसीपुर नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या मुसीबत है? बैटरी कैसे डाउन हो गई? अरे साहब हो जाती है। कैसे हो जाती है? इस सड़क पर, इस घर के सामने इस लारी की बैटरी हमेशा डाउन हो जाती है। क्यों? इस घर में ऐसी क्या बात है? इस घर में हमारे ड्राइवर साहब की बीवी रहती है ना। ठीक है, यहाँ बीवी रहती है, हम कहाँ जाएं? ये ऊपर सराय है, आप लोग वहाँ रात बसर कर सकते। क्या मुसीबत है? अच्छा, हमारा सामान भिजवा देना। चलिए आ रहा है। लेकिन मुझे तो आज ही पहुँचना है। आज नहीं पहुँच सकती आप। यहाँ दृष्ट नहीं होते वहाँ आपकी गाड़ी कैसे रुक जाती है? रुक जाती भाई। क्यों भाई, ये ट्रैक्टर तुम्हारा है? हाँ दीदी, मैंने से भी नए नए लिया है। मुझे बंसीपुर बहुत जरूरी पहुँचना है, क्या अपना ट्रैक्टर मुझे किराए पे दे सकते हो? ये बता, इसके चलाने का तरीका मोटर की तरह है? जी हाँ, बस फर्क इतना है, बाएं पांव के नीचे ब्रेक है और दाहिने पांव के नीचे क्लच और गियर तीन। अच्छा, इसका स्टार्ट ही कहाँ है? जी वो पन्नी तक। Thank you.
आगे जा सकते हैं? जी नहीं, आगे ढलान है। ढलान? जी हाँ, आगे ढलान है, ट्रॉली नहीं जा सकती। नहीं। श्यामा से जरूर मिलूंगा। मिलेगा तो मैं तेरी दाढ़ी नोच लूंगा। नोच लो। तो तू यहां भेष बदल के आता है, बदमाश कहीं का। Thank you.
कौन सी जगह है? हीरा राम, तुम जिंदा हो? तो क्या मैं मर गया था? रोमा, तुम यहाँ कैसे? मोती की जान खतरे में है, उन्हें कल सुबह फांसी होने वाली है। ओ छोड़ो उसे, अपनी जान भी यहाँ खतरे में है। लेकिन मोती फांसी हो क्यों? तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में। मगर मैं तो जिंदा हूँ, वो तो मजाक था। मजाक मजाक में सब मामला बिगड़ गया, अब उन्हें फांसी होने वाली। जल्दी चलो। मगर कल पहुँचेंगे कैसे? पहुँच जाएंगे। इतनी अच्छा, तो मेरे पीछे पीछे इसके साथ भाग रहे हो? क्या इसे भी शादी का चकमा दे रहे हो? नहीं नहीं, क्षमा, रोमा, मेरी बात सुनो। क्षमा, ये मेरी अजीज बीवी की दोनों, नहीं नहीं नहीं, मेरे अजीज दोस्त की होने वाली बीवी है और उसे कल फांसी हो रही है। याद है तुम्हें बताई थी वो राज वाली बात, दाढ़ी मेजर की? ये है वो राज। तुम कितनी अच्छी। अब थोड़ा सा दूर बात है, जल्दी चलो। तीन टिकट अंबाले के फर्स्ट क्लास। अंबाला? अंबाले वाली गाड़ी तो जा रही है जी। जा रही है, जल्दी चलो। ओ, 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 जल्दी चलो। चोट तो नहीं लगी? हाँ, ये गाड़ी भी चली गई और आज कोई और गाड़ी भी नहीं जाएगी। अरे वो गाड़ी कहाँ जाएगी? चलो चल के देखिए। चलो चलिए चलो। ड्राइवर साहब, ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ये गाड़ी कहीं नहीं जाती, आज शंटिंग के लिए आई है, कल जाएगी। ड्राइवर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने अंदर से इंजन कभी नहीं देखा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा ड्राइवर साहब, ये इंजन चलता कैसे है? चलता कैसे? ये सब स्टीम लीवर है, इसे नीचे खींच दीजिए चलने लगता है, और इसे ऊपर करिए, इस ब्रेक को खींच लीजिए तो ये रुक जाता है। कमाल है। अच्छा ड्राइवर साहब, आप अपना काम कीजिए, मैं जरा देखती हूँ। पर देखिए, किसी चीज को हाथ ना लगाइए।
गाड़ी रोकती हूँ। मैंने कहा गाड़ी क्यों रोक ली? क्या हुआ? कोयला खत्म हो गया है। ओह, अब क्या करें? ओह, भाई मानू, क्या गल है बाबू? ये लकड़ियां मुझे दे दो, ये लो 5 रुपए। चलो शाबाश। कुछ तो जाना बाबू जी। हाँ, ये कुल्हाड़ी भी मुझे दो। लो 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 लो, ये लो, कोले की जगह इन लकड़ियों को इस्तेमाल करो। शाबाश, जल्दी। हाँ, श्यामा तुम ऊपर कर जाओ। ऊपर? हाँ हाँ, कोले वाली जगह पे। चलो चलो चलो। हाँ जी हाँ, फिर ये लकड़ी बालों में डाल दो। हाँ, और गाड़ी चले छुक छुक छुक। चल मेरी गड्डी ये नहीं, छुक छुक छुक। ओए
चल मेरी गड्डी तू चुप 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 दी चल मेरी गड्डी तू चुप 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 भी आगे तक ले चलोगे पर आप कहाँ तक जाएंगे जेल खाने अरे बाप रे जेल खाने भैया कोई और ही गाड़ी ढूंढ के मैं तो घर जा रहा हूँ भाई ज्योति हम पैसे देंगे अरे भाई ये क्या करते हो तुम इधर हट जाओ जाएंगे।
अब क्या करें? रुको, बस तुम्हें रोड मैनर भी नहीं आते। मुझे कोई जेंटलमैन बोलता है। मैंने मर रखा था। हिम्मत रखो और भगवान को याद करो। रोने धोने से कुछ न होगा। हाँ बोल और यार क्या? कैसे भी बता दी होगा। जी हाँ, एक बात कहना। मरते वक्त मेरे पिताजी ने 3 नसीहतें की, मगर एक नसीहत वो भी करना भूल गए। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कानून के साथ मजाक करना बहुत बुरा है। जो आदमी कानून के साथ खेलता है उसका हशर वही होता है जो मेरा हो रहा है। अच्छा है कि मुजरिम को मरने से पहले अपनी गलती का ख्याल तो हुआ। जी हाँ, मेरी यही गलती हुई कि मैंने कानून को खेल और तमाशा किया, उसकी इज्जत और वकार का ख्याल नहीं, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। इसलिए मरने से पहले मैं सबसे यही कहूंगा कि भूल कर भी कानून के साथ हंसी मजाक नहीं करें, वरना आगे जो गलती होगी उसका जिम्मेदार कानून नहीं होगा, वो खुद होगा। ये मेरी जेल में 15 दिन काट चुके हैं। हजूर सिर्फ तेज मोटर चलाने के जुर्म में। तो तुम ही मेरा लाल हो? जी हाँ। तुम मुजरिम को जानते हो? जी हाँ, इसने मेरा खून किया था। ना मेरा मतलब है, इसको मेरे खून के जुर्म में फांसी हो रही है, मगर मैं तो जिंदा हूँ। तुम्हें अपने कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इस फांसी को रोकता हूँ। मुकदमे की समाअत दोबारा होगी। मुजरिम को फांसी से उतार दिया जाए। इसके हाथ खोल लो। रोमा, जिस तरह सावित्री ने सत्यवान को यमराज से बचाया था, इसी तरह तुमने भी मुझे फांसी के तख्ते से छुड़ा लिया है। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? एक ही तरीका है। क्या? रिहा होने के बाद सीधे शादी के दफ्तर चले चलो। आसमान से गिरा और झाड़ी में अटका। हाँ? नहीं 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 बाबा, रोने की क्या बात है। चलो अभी चलो, हमें भी तो वहीं जाना है। अच्छा, ये मेरे होने वाले पोतों की होने वाली दादी है। तो चलो चलो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? सिविल मैरिज के अख्तियार तो मुझे भी हैं। आइए मेरे साथ चलिए। वेरी गुड।